जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक जो है आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में है। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आज हम जो है इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कौन से देशों की सीमाएं किस किस राज्यों से लगती है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, चलिए अब हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट में क्या है कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका है। दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। दोस्तों, अगर बात करें पॉइंट नंबर दो में भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल से लगती है। किससे लगती है? उत्तर में चीन और नेपाल से लगती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में किस देश से लगती है? अफगानिस्तान से। वहीं पश्चिम में आपकी पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान देश से। पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार देश से लगती है, जबकि उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो दोस्तों, हम जो है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पहले ट्रिक से भी देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से ट्रिक से, उसके बाद हम जो है इसको इंडियन मैप के द्वारा भी समझेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर तीन की बात करें तो इसमें भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो आपकी बांग्लादेश के साथ, किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। यानी कि भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है वो आपकी बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। और दोस्तों, यदि आप जो है ट्रिक से भारत के पड़ोसी देशों को याद करना चाहते हैं तो हमने जो है इसकी ट्रिक भी जो है लिखी है, जिससे आपको भारत के पड़ोसी देशों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए पहले हम जो है ट्रिक को भी देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों को हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिक क्या है? बचपन में बीए। तो बा से हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? बांग्लादेश। बा से कौन सा देश हो जाएगा? बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश। और चा से हो जाएगा आपका चीन। चा से क्या हो जाएगा? चीन। पा से हो जाएगा पाकिस्तान। पा से कौन सा देश होगा? पाकिस्तान। ना से हो जाएगा आपका नेपाल, जबकि मे यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका? साइलेंट रहेगा। मे साइलेंट रहेगा, यानी कि मे का कोई अर्थ नहीं है। बी से हो जाएगा आपका भूटान देश। बी से दोस्तों क्या होगा आपका? भूटान देश। जबकि ए से होगा आपका अफगानिस्तान देश। क्या होगा? ए से अफगानिस्तान देश। दोस्तों, ये भारत के जो है मेन पड़ोसी देश है। अगली बात करते हैं हम दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर चार में क्या है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के उत्तर में
हिमालय पर्वत, जबकि दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या स्थित है? हिंद महासागर, तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, यानी कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं, यानी कि ये उत्तर में हिमालय पर्वत हो गया, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर क्या है, ये भारत की प्राकृतिक सीमाएं जो है निर्धारित करते हैं। वहीं अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 5। तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों बहुत ही मेन पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो आपकी है रेड क्लिफ सीमा रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ सीमा रेखा, ये आपको जो है ध्यान रखना है। वहीं पॉइंट 6 की बात करें तो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ये आपकी मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। अगला पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो श्रीलंका जो है ये भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है, यानी कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से जो अलग होते हैं वो किसके द्वारा अलग होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है दोस्तों ये, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक अकेला ऐसा राज्य है जो उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में, यानी कि तीन दिशाओं से, उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश देश से घिरा हुआ है। अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ क्या है? तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, अब हम जो है भारत के जो पड़ोसी देश हैं और इनसे भारत के कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं जैसे देशों से, तो इसके जो है हम ट्रिक से जानेंगे। पहला हमने लिया है जैसे बांग्लादेश से, यानी कि बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य, बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्यों की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, हम जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिख सके। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? टाइम एएम पीएम। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है आपकी टाइम एएम पीएम। तो टी आई से हो जाएगा दोस्तों आपका त्रिपुरा, टी आई से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। एम ई से हो जाएगा आपका मिजोरम, मेघालय। एम ई जो है दोस्तों आपका ये दो राज्यों का सेंस दे रहा है, जैसे एम ई मिजोरम और एम ई मेघालय, तो मिजोरम मेघालय। एम से हो जाएगा आपका आसाम, एम से क्या होगा? आसाम। और पीएम से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य आपको दोस्तों बता दूं टोटल कितने हैं, ये 5 राज्य। कितने? 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से आपके सीमा बनाते हैं। ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं टाइम एम पीएम। दोस्तों इसके बाद जो हम इंडियन मैप के द्वारा भी जानेंगे कि मैप के द्वारा कौन कैसे जो है राज्यों की सीमा देशों से लगती है, पहले हम जो है इसको ट्रिक से समझते हैं। अगला दोस्तों जैसे चीन देश की बात करें, चीन की, तो चीन से लगने वाले भारतीय राज्य, चीन से लगने वाले भारतीय राज्य, तो चीन से लगने वाले भारतीय राज्यों की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, वो यह है कि लद्दाख का सिपाही, देखिए लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, तो लद्दाख से हो जाएगा आपका लद्दाख राज्य। लद्दाख दोस्तों ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, आपको बता दूं क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख लग गया आपका एक। सिपाही से हो जाएगा सिक्किम, सिपाही से क्या होगा? सिक्किम। तो दो आपको जो है दो आपके राज्य, जैसे एक तो इसमें हो गया केंद्र शासित प्रदेश और एक हो गया आपका राज्य सिक्किम। अगले राज्यों की बात करें तो अरुण से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। हिमालय से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड।
उत्तरा से क्या होगा, उत्तराखंड। तो कहने का मतलब आपके पांच राज्य, कितने राज्य, पांच राज्य जो है सीमा बनाते हैं चीन से, कितने राज्य सीमा बनाते हैं, पांच। अगले देश की बात करें दोस्तों, तो अगला देश हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य यानी कि पाकिस्तान देश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, इसकी ट्रिक है दोस्तों पंगुराजल। क्या है, पंगुराजल। तो पा से हो जाएगा आपका पंजाब, गु से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ला से हो जाएगा लद्दाख। तो पाकिस्तान से लगने वाले जो भारतीय राज्य, इनकी ट्रिक है पंगुराजल। अगले देश की बात करें दोस्तों, तो हमारा अगला देश है नेपाल। तो नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य, नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्यों की ट्रिक है दोस्तों न्यू बस। क्या है, न्यू बस। दोस्तों आपको बता दें, जो पहला लेटर है एन, इसका मतलब है नेपाल, यानी कि ये तो नेपाल देश हो गया। बाकी नेपाल से भी आपके कितने राज्य लगते हैं, पांच। जैसे यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, बी से हो जाएगा आपका बिहार, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, एस से हो जाएगा सिक्किम। तो याद करना बहुत ही आसान है, न्यू बस यानी कि इसमें दो बार यू आया है, तो एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, डब्ल्यू मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, बी मतलब बिहार और एस मतलब सिक्किम। अगला जो देश हमारा दोस्तों वो है म्यांमार। कौन सा, म्यांमार। तो म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य, तो म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्यों की ट्रिक है अरुणामामी। क्या है दोस्तों, अरुणामामी। अरु से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, ना से क्या होगा, नागालैंड। मा से हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम, मी से क्या होगा, मिजोरम। तो म्यांमार देश से जो है भारत के चार राज्य, कितने राज्य, चार राज्य जो है सीमा बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। तीन राज्य आपको दे रखे होंगे, चौथा अलग से डाल देगा, आपसे पूछेगा। इसलिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग होता है, इसलिए आपको हर राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस देश से सीमा बनाता है। अगला देश हमारा दोस्तों भूटान। अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य यानी कि भूटान से कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं, जिसकी ट्रिक है दोस्तों आप आसिक है। क्या है, आप आसिक है। आ से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आ से हो जाएगा आपका असम, और सिक से हो जाएगा सिक्किम। तो कहने का मतलब भूटान से भी आपके जो है चार राज्य क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। कितने राज्य दोस्तों, चार राज्य सीमा बनाते हैं। अगले देश की बात करें, अगला देश है दोस्तों हमारा अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से लगने वाला भारतीय राज्य दोस्तों केवल लद्दाख है। केवल लद्दाख जो है ये अफगानिस्तान देश से सीमा बनाता है। दोस्तों आपको बता दें, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर जो राज्य था ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बट गया, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर राज्य, आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहने का मतलब अफगानिस्तान से अब जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा बनाता है।